ये देखिए गाइस हमारी आज की रेसिपी। गाइस वैसे तो हमने इसको इसका नाम दिया है दलिया का पोहा, लेकिन आप लोग प्लीज घर में ट्राई करिएगा और हमें इसके नाम, इस रेसिपी के नाम सजेस्ट करिएगा, तो हम इसका नाम बदल कर वो रख देंगे जो आप लोग नाम सजेस्ट करेंगे। और फिलहाल तो हम अभी रखते हैं इसका दलिया का पोहा, हेल्दी एंड टेस्टी। तो चलिए देखते हैं कि हमने कैसे बनाया है, तो चलकर देखते हैं अपनी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। देखिए ये हमारी दलिया, गाइस फेस्टिवल के बाद काफी, फेस्टिवल में काफी तला भुना खाना हो जाता है, पूड़ी वगैरह। इस वजह से हम त्योहारों के बाद चाहते हैं कि कुछ हल्का, कुछ यमी बना के खाएं। और दलिया वगैरह है, बच्चे भी नहीं खाते, बड़ों को भी ज्यादा पसंद नहीं आती है। तो आज हम स्पेशल तरीके से बनाएंगे दलिया की रेसिपी, जो कि बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो ये देखिए एक कटोरी हमने अपनी दलिया ले ली है, ये हमारी फ्राई दलिया है। आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें कढ़ाई में डाल करके, ठीक है। हमारी पहले से ही रखी थी रोस्ट दलिया, इस वजह से हमने ले ली है रोस्ट वाली। तो ये देखिए इस तरह से हम पानी डालकर इसको वॉश करेंगे और इस पानी को निकाल देंगे बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह से इसके ये पानी, जो ऊपर वाला पानी है उसको हम निकाल देंगे। ये देख सकते हैं गाइस हमने पानी सारा निकाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, एक बार धुल के निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है। अब इसको हम ऐसे भिगो के रख देंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ढककर। ये देखिए गाइस हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ठीक है, 2 स्पून के करीब। तो अब इसमें हम इसको बनाएंगे, तो देखिए इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। ये देखिए गाइस 1/2 टेबल स्पून जीरा ऑयल, आप जो खाते हो बस वही ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ये देखिए गाइस 1 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, बारीक काटा हुआ है, और ये 2 हरे मिर्च। गाइस को हम हल्का भून लेंगे, ठीक है, क्योंकि रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए गाइस थोड़ा सा तेज फ्लेम पर पकाएं और इसको लाल नहीं करना है हमको, ठीक है, हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद में हम दूसरे इंग्रेडिएंट में ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस रोस्ट हो चुका है, तो अपना टमाटर ऐड करेंगे इसमें। अब देखिए गाइस कुछ मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और मिर्च अपने हिसाब से डाल लें आप, और कलर के लिए हल्दी पाउडर, और ये रही 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो इसको अब हम थोड़ा भूनेंगे, और ठीक है। और अब इसमें ये देखिए 2 मीडियम साइज के आलू हमने काटे थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से और ये देखिए गाइस हमने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, लगभग लगभग 2 टेबल स्पून वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, दलिया एक कटोरी थी तो उसके हिसाब से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिक्स करेंगे, और अब इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे, इतना कि हमारे आलू काटने पर से कट जाए, ठीक है। तो इसको पका लेते हैं ढककर। ये देखिए गाइस बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा लगे भी नहीं, ठीक है, तली में जले नहीं। और आलू एक कट करके ऐसे देख लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी हमें दलिया भी पकानी है इसमें। ये देखिए गाइस अब आलू हम कट कर रहे हैं, तो ये कट तो हो रहे हैं बट थोड़ा सा टाइट है। तो ये जो हमने अपनी पालक ले रखी है वो भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसको भी हम 1 सेकंड के लिए भाप में इसमें पकाएंगे, इस तरह से मिलाते हुए इसको भी पका लेंगे, ठीक है। ढककर पकाएंगे। ये देखिए गाइस तब तक हमारे दलिया ने पानी खूब सोख कर लिया है, ठीक है। अब इसके जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हम निकाल देंगे पूरी तरह से। ये देख सकते हैं गाइस 1/2 मिनट हो चुका है पालक डाले हुए, तो पालक भी हमारी जो है वो हो चुकी है। तो इससे ज्यादा पकाएंगे ना तो पालक का कलर हट जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे अपनी ये दलिया, ये देखिए ये इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए गाइस दलिया में डाल दी, इसमें पानी नहीं डालना होगा, क्योंकि आप कितना भी निकालें पूरी तरह से पानी दलिया का नहीं निकलेगा,
तो अब इसी दलिया, इसी भाप में इसी दलिया को पकाना है, मगर इसमें अभी एक मसाला हम और ऐड करेंगे, देखिए क्या, क्योंकि इसी समय पर वो मिल जाएगा आराम से। ये देखिए गाइस, एक स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें, जिससे खट्टा खट्टा सा हल्का सा स्वाद आ जाएगा, ठीक है। उसको अब मिला देंगे गाइस। चाट मसाला वगैरह डालते समय ये ध्यान रखें कि आपने नमक पहले ही डाल दिया है, तो उस हिसाब से डालें, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पका लेंगे अच्छे से धीमी फ्लेम पर, ठीक है। ये देखिए गाइस, धीमी फ्लेम पर ही पकाना है हमको, ठीक है। और बीच बीच में इसे चलाते रहना है, जिससे कि ये तले में लगे नहीं। और अगर जरूरत आपको लगे तो आप एक से दो स्पून पानी ऐड कर दें, इससे ज्यादा मत ऐड करें, वरना सब एक नहीं मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें पानी एक स्पून, हम पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो एक स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। गाइस हमारा बनकर रेडी है बिल्कुल। तो एक मिनट इसको हम ऐसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मिनट, और फिर इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लिए, ठीक है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, और ये अलग अलग भी लग रहा है, तो इसको अब हम बंद करेंगे और फ्राई सर्व करेंगे गर्मा गर्म। ये देखिए गाइस, इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे एकदम अच्छे से इस तरह से। ये देखिए गाइस, हमारा तैयार है चटपटा नमकीन, आप इसे दलिया का पोहा कह सकते हैं, हमने इसका नाम दलिया का पोहा रखा है। आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, हमें सजेशन करिएगा कि इस रेसिपी का हम क्या नाम रखें। तो फिलहाल हम अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम इसको दलिया का पोहा नाम रख देते हैं, फिर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, फिर हम वो नाम बदल कर देंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।